नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो भी हमने जीएसटी से रिलेटेड वर्किंग करी थी, यानी कि हमने जीएसटी रिटर्न हमने फाइल करी थी, वो रिटर्न हमारी मंथली हो सकती है, वो रिटर्न हमारी क्वार्टरली हो सकती है। अगर हम कंपोजिशन में थे तो हमने CMP 08 भी क्वार्टरली फाइल किया होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब हमें ये चेक करना है कि अब 1 अप्रैल 23 से लेके और 29 फरवरी 2024 तक, यानी कि इन 11 मंथ में हमने जितनी GST R1 या GST R3 भी अगर हमने फाइल करी है मंथली, तो उस इन 11 महीनों को अब हमें एक बार वापस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें गो थ्रू करना पड़ेगा कि जो रिटर्न हमने ऑनलाइन अपलोड कर दी और जो अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो हमारी जीएसटी की रिटर्न प्रिपेयर है, उसको हमें चेक करना होगा कंपैरिजन करके भी उसके अंदर कोई मिसमैच है या नहीं है। वो मिसमैच आपका कोई सेल से रिलेटेड हो सकता है, कोई आउटपुट टैक्स से रिलेटेड हो सकता है, या ITC से रिलेटेड हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई मिसमैच आता है तो अभी भी हमारे पास में समय बचा हुआ है इन मिसमैच को सही करने के लिए, क्योंकि अभी अगर हम रिटर्न मंथली फाइल कर रहे हैं तो अभी मार्च 2024 की जो रिटर्न जानी है GST R1 या GST R3 भी, उसका टाइम अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो उन सभी टाइप की गलतियों को हम यहाँ पर मार्च मंथ की रिटर्न में सुधार सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो तो 4th क्वार्टर की रिटर्न का भी टाइम अभी भी आपके पास में बचा हुआ है, तो उस टाइप की गलतियों का आप यहाँ पर भी सुधार कर सकते हो। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सेल चार्ट के थ्रू बताएंगे भी आपको किस किस टाइप की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डाटा है जो चेक करना है, किस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है GST R3B को GST R1 से, GST R3B को GST R2 से, ठीक है। इस टाइप की जितने भी हमारे GST से रिलेटेड वर्किंग रहती है उन सब टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, हमें बुक्स की GST R1 और हमारी पोर्टल की जो ऑनलाइन हमने अपलोड कर दी उसकी GST R1 और बुक्स की GST R3B वर्सेस हमने ऑनलाइन जो GST की रिटर्न फाइल कर दी उसका कंपैरिजन, उसके बाद में ऑनलाइन GST R1 वर्सेस GST R3B, उसके बाद में बुक्स का ITC वर्सेस आपने जो GST R3B के अंदर क्लेम कर चुके हो उसका कंपैरिजन आपको किस तरीके से चेक करना है। बुक्स के अंदर अगर आपके कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट आ रहे हैं उसको हमें 2B के साथ हम इसको किस तरीके से चेक करेंगे, अगर आपने कोई गलत ITC ले लिया हो या कोई डबल ITC ले लिया हो तो उसको भी हम रिवर्सल किस तरीके से दिखाएंगे, अगर आपके ऊपर कोई सर्विसेज पे या किसी एक्सपेंसेस के ऊपर RCM टैक्स की लायबिलिटी बनती थी तो वो आपने RCM टैक्स जो डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, नहीं करवाया तो अभी भी आपके पास मौका है। तो इन सभी बातों के अंदर इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखना ताकि हम पता कर सकें भी हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इन 11 महीनों की, वो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हमारी पिछले डाटा के साथ मैच है या नहीं है। क्योंकि अगर वो डाटा सारा हमारा हम मैच कर लेते हैं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं भी हमारी जो GST की एनुअल रिटर्न है वो हम प्रीपेयर कर रहे हैं। अगर आपने ये GST एनुअल रिटर्न अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रीपेयर कर ली आज ही, यानी कि 23-24 का डाटा को आपने 2023-24 के अंदर ही समेट लिया, तो इसका मतलब जब आप टैक्स ऑडिट होगी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जब हमारी बात आएगी GST एनुअल रिटर्न फाइल करने की 9H है आपकी, वो 9C है, तो वहां पर भी आपको किसी टाइप की परेशानी नहीं आएगी। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है। ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले आप चाहे सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज़ कर रहे हो तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, यानी कि क्या करोगे 1 अप्रैल से लेके और 29 फरवरी 2024 तक का आपको एक बार पीरियड देना है, क्योंकि मार्च मंथ की अभी हमने रिटर्न दी नहीं है। अगर आप मार्च मंथ तक को देख लिया तो आपका पोर्टल पे तो आपको डाटा दिखेगा लेकिन बुक्स का डाटा आपको शो करेगा, तो वहाँ पर आपका डिफरेंस आएगा। तो आपको 29 फरवरी 2024 तक का ही वहाँ पर पीरियड देना है GST R1 को। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, बुक्स की GST R1 और
जो हमने ऑनलाइन जीएसटी रिटर्न फाइल कर दी उसके अंदर हमें चेंजिंग देखनी है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले चेंजिंग में क्या देखने को मिलेगा भी, अब जीएसटी R1 के अंदर हमारी डाटा क्या जाएगा भी, बी टू बी की सेल जाएगी और दूसरा हमारा बी टू सी की जो सेल है वो जा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी होंगे जिन्होंने हमें जीएसटी नंबर है जो प्रोवाइड नहीं करवाया था, या प्रोवाइड करवा दिया था लेकिन वो गलत था। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा भी, वो हमारे मान लीजिए किसी पार्टी का हमने जीएसटी नंबर नहीं डाला तो उसकी सेल हमारी क्या जाएगी, बी टू सी सेल के अंदर चली जाएगी। बाद में हमें पता चला भी उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर था, हमने 5 महीने की या 6 महीने की रिटर्न डालने के बाद में हमने उसका जीएसटी नंबर अपडेट कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के आगे की जितनी भी सेल है वो आपकी बी टू बी में जाएगी, लेकिन अब इसके जो पिछले बिल थे वो भी हमें बी टू बी के अंदर जो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, अगर हमने बी टू बी के अंदर उसका डाटा नहीं डालेंगे तो हमारा जो कस्टमर है उसको उस टैक्स का ITC जो नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने तो चेंज कर लिया लेकिन जीएसटी पे अभी तक आपने उसको अपडेट नहीं कराया, तो आपका ये बी टू बी और बी टू सी के सेल का जो डिफरेंस है वो आएगा। दूसरा, अब कई बार ऐसा भी होगा, अभी मान लीजिए जीएसटी नंबर किसी और पार्टी का आपने डाल दिया, ठीक है, डालना किसी और का था लेकिन गलती से किसी और का डाल दिया, तो अब आपकी सेल तो बिल्कुल सही है, सेल ओके है, लेकिन आपने जो आपके कस्टमर है उनका नाम आपने अदला बदली कर दिया, तो इस अदला बदली को भी आपको चेंज कराना पड़ेगा। तो वो भी अब मार्च मंथ की रिटर्न के अंदर आप करवा सकते हो, मार्च 2024 की रिटर्न के अंदर। तो ये आपका डाटा बी टू बी और बी टू सी का डाटा आपका बिल्कुल बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ पोर्टल पे भी बिल्कुल मैच हो जाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं भी बुक्स की GSTR 3B वर्सेज ऑनलाइन आपने GSTR 3B फाइल कर दी। अब इसके अंदर क्या होगा भी, GSTR 3B के अंदर हम क्या करते हैं भी, हमारी टोटल हम सेल देते हैं जिसके अंदर हमारी टैक्स की भी सेल होती है और एग्जम्प्ट की भी सेल होती है। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमें यह भी देखना पड़ेगा भी, अब जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सेल आ रही है टैक्सेबल की या टैक्स फ्री की, वो हमने जो ऑनलाइन पर अपलोड कर दी है उसके साथ मैच है या नहीं है। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे भी, अगर इसको मैच या मिस मैच को हम किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आपको इस तरीके से एक्सेल के अंदर प्रॉपर है जो वर्किंग करके देखनी पड़ेगी, तभी हम इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट आएगा, ऑनलाइन GSTR 1 वर्सेस GSTR 3B, यानी कि हमने जो GSTR 1 फाइल करी मंथली की और उसके बाद में GSTR 3B फाइल करी, तो ऐसे में इन दोनों का ये कंपैरिजन भी चेक करके देखना पड़ेगा कि जितनी सेल हमारी GSTR 1 में गई है उतनी GSTR 3B के अंदर भी टोटल हमारी सेल गई है या नहीं गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका B2B या B2C का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि GSTR 3B के अंदर टोटल हमारी सेल ही जाएगी और वो सेल आपकी टैक्सेबल हो सकती है और टैक्स फ्री हो सकती है। तो ऐसी स्थिति हमें दोनों का कंपैरिजन ये भी चेक करना है भी, कई बार GSTR 1 आपने फाइल कर दी लेकिन जब आपने GSTR 3B फाइल करी थी तो हो सकता है उसके अंदर GST के डाटा के अंदर आपका कोई सेल के अंदर फर्क आ गया हो, तो ये दोनों भी डाटा आपको आपस में जरूर चेक कर लेना है। जितनी सेल आपकी GSTR 1 में है उतनी सेल ही आपकी GSTR 3B के अंदर होनी चाहिए। अगले पॉइंट की अपने बात करते हैं भी, बुक्स का ITC वर्सेज ऑनलाइन आपका 3B के अंदर जो आप क्लेम कर चुके हो उसके बारे में, यानी कि अब इसका पॉइंट ये बनेगा कि जब हमने GSTR 3B फाइल करी उसके अंदर मान लीजिए हमने 1,000 रुपये का CGST और 1,000 रुपये का SGST हमने ITC है जो इसका क्लेम किया, लेकिन अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपने जो 3B के अंदर ये हमारा आ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में 29 फरवरी 2024 तक का, लेकिन हमने जो रिटर्न फाइल कर दी है उसके अंदर मान लीजिए हमने ITC हमने क्लेम कर रखा है 1500 रुपये का, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी रिटर्न है बिल्कुल ओके है। अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है यानी कि हमने जो क्लेम कर लिया ये क्लेम डाई क्लेम हमने कर लिया और ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डाटा आ रहा है, तो अब इन दोनों में जो ये डिफरेंस आ रहा है यानी कि ऑनलाइन हमने क्लेम ज़्यादा कर लिया लेकिन अभी बुक्स के अंदर कम आ रहा है, तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी पड़ेगी भी हमने ज़्यादा किया था तो क्या वजह थी और अब आपका ये बुक्स के अंदर कम क्यों गया, आपने कोई वापस कोई रिवर्सल एंट्री करी है या फिर आपने उस वक्त कोई
परचेज की एंट्री आपने डबल कर दी थी, उसकी वजह से भी आपको ये फर्क आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए 500 500 रुपए के तीन बिल आपने पोस्टिंग कर दी लेकिन एक्चुअल में दो ही थे, तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपने सही कर ली लेकिन ये आपने पोर्टल पे जो ITC ले लिया था 500 रुपए का ज्यादा, वो आपने सही नहीं करवाया। तो ये भी आप जब मार्च मंथ की जो रिटर्न आएगी उसके अंदर हम इस 500 रुपए को आप इसको रिवर्सल है जो कर सकते हो, ताकि आपका ये टैक्स है वो 1,000 रुपए बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में बिल्कुल ओके मैच हो जाए। इसके बाद अपने पॉइंट जो आएगा वो आएगा बुक्स का क्रेडिट नोट और 2AB 2B का जो क्रेडिट नोट आएगा उसका। यानी कि अब ऐसे बहुत बार ऐसा भी होगा भी आपका जो सप्लायर है उन्होंने आपका कोई प्राइस डिफरेंस का या कोई परचेज रिटर्न का आपको कोई डेबिट नोट या कोई रेट डिफरेंस का क्रेडिट नोट इशू किया होगा, तो वो पोर्टल पे ऑनलाइन तो दिख रहा है, उसके ऊपर GST का ट्रीटमेंट भी हुआ है, लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो इसकी एंट्री तो आपने कर दी क्रेडिट नोट डेबिट नोट की, बट GST को आपने रिवर्सल या एड है जो नहीं किया। एंट्री आपने बाद में करी, कब करी? मान लीजिए आपने जब पार्टी के साथ में आपने स्टेटमेंट मैच करी 2 महीने बाद 3 महीने बाद में, तो स्टेटमेंट को देख के आपने एंट्री तो कर दी वो बिना टैक्स की, या फिर टैक्स की कर दियो तो लेकिन आपने उसको टैक्स का जो ट्रीटमेंट होना था एड या उसको माइनस में वो आपने नहीं करवाया, तो वो भी आपको एक बार जरूर चेक कर लेना होगा पोर्टल पे जाके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी, अगर वो GST से रिलेटेड है तो आपकी बुक्स के अंदर भी वो एंट्री GST से रिलेटेड होनी चाहिए, और उस मतलब क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का जितना भी GST टैक्स बनता है, चाहे वो आपका रिवर्सल बन रहा हो चाहे वो एडिशन हो रही हो, तो वो भी आपको मार्च के मंथ में की जो रिटर्न है उसके अंदर हमें अपडेट है जो करवाना पड़ेगा। उसके बाद में जो पॉइंट आएंगे इन एलिजिबल ITC, इसके ऊपर अभी हमने जो डिस्कस किया था भी, अब मान लीजिए कोई आपने गलत ITC ले लिया जो आप जिसके लिए उस ITC को लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं थे, अगर वो आपने गलती से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ले लिया लेकिन बाद में वो बुक्स ऑफ अकाउंट से एंट्री तो आपने डिलीट कर दी लेकिन आपने ऑनलाइन 3B के अंदर उसको ITC को रिवर्स नहीं किया, तो वो भी आपको मार्च मंथ 2024 की जब रिटर्न हम फाइल करेंगे GST 3B को, तो वहां पर आपको रिवर्सल जो करना पड़ेगा। उसके बाद बात आएगी RCM टैक्स की लायबिलिटी, यानी कि अब मान लीजिए अब पूरे साल के अंदर आपने ऐसा कोई खर्चा भी किया होगा जो RCM के अंडर में आ रहा होगा, तो अगर मान लीजिए अगर आपने ऐसा कोई खर्चा बुक कर रखा है या ऐसी कोई सर्विस आपने पे करी जिसके ऊपर आपके ऊपर RCM का जो GST है वो पे करने की लायबिलिटी आपकी बन रही थी लेकिन आपने उसको पे नहीं किया, तो वो भी आपको मार्च मंथ के अंदर उसको सुधार करके आप अपना RCM है जो पे कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की टैक्स ऑडिट होगी तो CA लोग आपके इस टाइप के खर्चे को भी देखेंगे भी ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आपका अंडर RCM में था, इसके ऊपर RCM का रूल है जो एप्लीकेबल था लेकिन आपने RCM में का उसका जमा नहीं करवाया, तो आपको RCM अगर आपने जमा करवाया होगा तो वो आप जब मैनुअल रिटर्न अपनी फाइल करोगे GST की तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको हमें डिस्कस करना होगा मार्च मंथ की रिटर्न फाइल करने से पहले पहले, यानी कि बुक्स की GST R1 वर्सेज हमने ऑनलाइन जो अपलोड कर दी वो हमारी GST R1, उसके बाद में बुक्स की GST R3B वर्सेज हमने जो ऑनलाइन GST फाइल कर दी उसका रिकॉर्ड, उसके बाद में ऑनलाइन GST R1 वर्सेज GST R3B, ये हमने ऑनलाइन की ही रिकॉर्ड को चेक करना है, बुक्स हम यहाँ पर चेक कर चुके हैं, उसके बाद में बुक्स का ITC और हमने 3B के अंदर जितना क्लेम हमने कर लिया उसका ITC, उसके अंदर कोई डिफरेंस है तो हमें उसको डिफरेंस को चेक करना होगा। आप अगर आपने कोई ऐसा इनवॉइस है जिसकी परचेज एंट्री आपने अभी तक नहीं कर रखी थी तो परचेज एंट्री करोगे तो आपका ITC जो बढ़ जाएगा, तो आप ITC एक्स्ट्रा और 3B के अंदर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो आपका क्रेडिट नोट्स आ रहे हैं GST से रिलेटेड वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी होने चाहिए। इन एलिजिबल ITC रिवर्सल जो ऐसा ITC आपने गलत क्लेम कर लियो या दो बार क्लेम कर लियो तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और RCM यानी कि ऐसा सर्विस या कोई एक्सपेंसेस जो RCM के अंडर में आती है तो उसका RCM भी आपको पे करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं एक्सेल के वर्कशीट पे। अब इस एक्सेल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल के अंदर आपको चार्ट वाइज जो डाटा तैयार करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि कंपेरिजन है GST R3B विद GST R1 और GST R2A फाइनेंशियल 23-24,
यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर मंथ वाइज कुछ इस तरीके की एक्सेल आप डाटा तैयार करोगे। यहाँ पर आ रहा है आपका GSTR 3B का, यानी कि ये टोटल आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, इतना आपने IGST पे किया हुआ है, इतना C और इतना S, और ये आपका आ रहा है GSTR 1 का। तो GSTR 1 के अंदर भी आपकी टोटल सेल इतनी है और यहाँ पर आपका IGST और CGST S इतना इतना गया हुआ है। तो इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसको आपको चेंज कराना पड़ेगा। वन में आ रहा है तो वन में चेंज कराना पड़ेगा, 3B के अंदर है वो 3B के अंदर आपको चेंज कराना पड़ेगा। इसी तरीके से ITC का भी एज पर 3B जो हम क्लेम कर चुके हैं और एज पर GSTR 2A या 2B के अकॉर्डिंग, तो वो आपको देखना पड़ेगा भी इसके अंदर आपने कम या ज़्यादा कर लिया। ज़्यादा कर लिया तो रिवर्सल करना पड़ेगा, कम कर लिया तो आपको एड आपको करना पड़ेगा मार्च मंथ के रिटर्न में। इसी तरीके से हम टोटल सेल वाइज डाटा मिलान कर सकते हैं, आपके टोटल टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल सेल और टैक्स फ्री की सेल, ये आपकी GSTR 3B और आप एक साइड के अंदर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पर एक्सेल के अंदर प्रिपेयर करोगे। इसके साथ साथ आपके टैक्स के भी यहाँ पे कॉलम बनेंगे भी आपने रिटर्न में कितना टैक्स दिखाया है और अभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कितना टैक्स आ रहा है। तो ये इस तरीके की वर्किंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी और इसी के साथ साथ आपको अपना इनपुट बुक्स का और जो आपने ITC क्लेम किया है 3B के अंदर उसका डाटा, तो वो आपको क्लेम करना पड़ेगा। यानी कि 3B हमें दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे, GSTR बुक्स का जो हम फाइल कर चुके हैं और जो हमारे बुक्स के अंदर है, ITC जो हमने क्लेम कर लिया और जो हमें क्लेम करना है और कितना हमारा 2A या 2B के अंदर आ रहा है, तो इन तीनों को आपस के अंदर भी जरूर कंपेयर करना होगा। तो आपके ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ ऐसे इनवॉइस भी आपको दिखेंगे 2A या 2B के अंदर जिसका आप ITC लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो ऐसी उन टाइप की भी आप समरी एक पास आपको बना के रखनी पड़ेगी ताकि जब हमारी GSTR एनुअल रिटर्न फाइल करें तो वहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कर अलग अलग कंपेयर करके बता सकें भी ये हमारा ट्रेडिंग का हमारा इनपुट है और ये हमारे एक्सपेंसेस के इनपुट है, तो हमने इन एक्सपेंसेस का ITC जो क्लेम है जो नहीं किया हुआ। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आप सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में होंगे कि हमें फाइनेंस ईयर 2023-24 में जितने भी हमने GST से रिलेटेड वर्किंग करी है उसका हमें इन 11 महीनों का एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गो थ्रू जरूर करना पड़ेगा ताकि हमारी एनुअल रिटर्न और हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन पोर्टल के साथ बिल्कुल मैच हो, जिससे कि हम आगे आने वाली परेशानी से बच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर भी करना।